विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसकी अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता और अपना गौरवशाली इतिहास है। बिहार प्राचीन काल से ही भारत की इस गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा के निर्वहन में अपना अमूल्य योगदान देता रहा है। बिहार की यह पावन भूमि अनेक ऋषि मुनियों, संतों, महापुरुषों के त्याग, तप और साधना की साक्षी रही है। इसी बिहार का एक प्रमुख भाग है मिथिला, जो अपनी बौद्धिक समृद्धि और संपदा के लिए प्राचीन काल से ही विख्यात रही है। मिथिला के इस पावन क्षेत्र में विशिष्ट आध्यात्मिक एवं बौद्धिक तप के बल पर सनातन संस्कृति के संरक्षण की शाश्वत धारा चलती रही है। मिथिला के इस विशिष्ट भूभाग में गौतम, याज्ञवल्क्य, कपिल, कणाद, विद्यापति, मंडल आदि अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी साधना, तपश्चर्या तथा अपने क्रियाकलापों से समाज को नई दिशा प्रदान की। यहाँ के राजा भी विदेह हुए हैं। बिहार की इन महान विभूतियों की श्रृंखला में एक प्रमुख नाम है गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस, जिन्हें उनके भक्त श्रद्धा से बाबा जी कहते हैं। प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस का जन्म तत्कालीन भागलपुर जिला और वर्तमान सुपौल जिला के परसरमा गांव में 18वीं शताब्दी में एक कुलीन ब्राह्मण पंडित अंदी झा के कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित बच्चा झा और पितामह का नाम पंडित धर्मपति झा था। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उनका जन्म उनके ननिहाल मेहत में हुआ था। पंजी में अंकित जानकारियों से ज्ञात होता है कि उनके पिता पंडित बच्चा झा के तीन पुत्र थे, विश्वनाथ, लक्ष्मीनाथ और रूपनाथ। बचपन में लक्ष्मीनाथ को लोग प्यार से लक्ष्मी या लखन भी बुलाते थे। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण 11 वर्षों तक गोचारण करके योगीश्वर हो गए, उसी प्रकार लक्ष्मीनाथ भी लगभग उसी अवस्था तक गोचराकर महान साधक योगी बन गए। एक साधारण गृहस्थ परिवार में जन्मे लक्ष्मीनाथ में बाल्यकाल से ही एक योगी और साधक के गुण विद्यमान थे। कई बार खेल खेल में ही वे अपने श्वास अनुशासन से लोगों को चकित कर देते थे। गोचारण और खेलों में गहरी रुचि होते हुए भी कई बार वे अपने साथियों के साथ खेलना छोड़कर ध्यान मग्न हो जाते। एक दिन जब लक्ष्मीनाथ अपने साथियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, तभी उन्हें एक दिव्य पुरुष दिखाई पड़े। उस दिव्य पुरुष ने उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें गोचारण छोड़कर समाज कल्याण हेतु किसी अच्छे गुरु से शिक्षा लेने को कहा। जब लक्ष्मीनाथ जल से बाहर हुए तो उनकी स्वाभाविक चंचलता का स्थान गंभीरता ने ले लिया था। अब वे अन्य मनस्क और उदासीन रहने लगे। लक्ष्मीनाथ में आए इस परिवर्तन को उनके पिता ने सहज ही माप लिया। पुत्र से पूछताछ कर पूरी बात जानने के बाद उनके पिता ने उपनयन संस्कार करवाकर बालक लक्ष्मीनाथ को विद्या प्राप्ति हेतु उस समय के प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं तांत्रिक पंडित रत्ते झा के पास जो कि महिनाथपुर पहुंचाने निकल पड़े। लंबी यात्रा करके नदी नाले पार करते हुए पंडित रत्ते झा के गुरुकुल पहुंचे। गुरु
बच्चा झा ने गुरु रत्ते झा से लक्ष्मीनाथ को शिक्षा देने की प्रार्थना की। गुरु ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और लक्ष्मीनाथ की शिक्षा शुरू हो गई। एक दिन गुरु को सूचना मिली कि लक्ष्मीनाथ का सुबह से कोई पता नहीं है। गुरु उनकी तलाश में निकल पड़े। उन्होंने लक्ष्मीनाथ को एकांत में ध्यानस्थ पाया। गुरु उनके इस गुण से बड़े प्रभावित हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर अपने साथ ले चले। कुशाग्र बुद्धि लक्ष्मीनाथ ने यहां अल्पकाल में ही ज्योतिष विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। गुरुकुल में उनका व्यवहार अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक बन चुका था। उनके गुरु ने लक्ष्मीनाथ में एक अच्छे साधक के गुण देखकर उन्हें तंत्र का भी ज्ञान दिया। धीरे धीरे लक्ष्मीनाथ तंत्र विद्या में भी पारंगत हो गए और तंत्र की अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली। किशोरावस्था पार कर लक्ष्मीनाथ अब युवा हो चुके थे। महिनाथपुर में कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अपनी शिक्षा पूरी करके जब वे महिनाथपुर से घर लौटे तो पहले प्रेम की दृष्टि से देखने वाले लोग अब उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। बाल्यकाल से ही वे योग मार्ग पर अग्रसर होने को उत्सुक थे। उनकी योग सीखने की इच्छा धीरे धीरे प्रबल होती जा रही थी, किंतु योग्य गुरु एवं कुशल मार्गदर्शक के अभाव में वे सदैव चिंतनशील और विरक्त भाव में रहने लगे। लक्ष्मीनाथ की यह दशा देखकर उनके घरवालों ने उनका विवाह कहुआ ग्राम निवासी पंडित शोखा दत्त ठाकुर की बेटी हंसवती से कर दिया। किंतु पत्नी के द्विरागमन के बाद भी वे वैरागी ही रहे। युवावस्था और नवोढ़ा पत्नी की सुंदरता दोनों मिलकर भी लक्ष्मीनाथ को अपने मोहपाश में बांध नहीं सकी। पत्नी हंसवती के परसरमा आगमन के बाद से ही लक्ष्मीनाथ ने उन्हें अपने वैराग्य धारण करने के अभिप्राय से अवगत कराना आरंभ कर दिया था। अपने मधुर वचनों से वे पत्नी को दाम्पत्य जीवन के मर्म, सदाचारी ब्राह्मणों के कर्तव्य तथा विषय विरक्ति आदि का ज्ञानोपदेश देकर अनुप्राणित कर रहे थे। इसी बीच उनके पिता का देहांत हो गया। पिता के परलोक सिधारने के बाद लक्ष्मीनाथ के हृदय में अपने बड़े भाई विश्वनाथ के लिए पिता की श्रद्धा उतर आई थी। लेकिन दोनों भाइयों में इतना पारस्परिक प्रेम होने पर भी वह काल की त्योरी के सामने टिक न सका। भावी टल न सकी और एक दिन लक्ष्मी, मैं आवश्यक दूसरे गांव जा रहा हूँ।
हो सकता है आने में हमें शाम हो जाए। आज दाना पानी का भार तुम्हारे ऊपर रहेगा। गायों को चारा दे देना और एक बार पानी अवश्य पिला देना। जी भैया। आध्यात्म विचार और ध्यान में दिन भर निमग्न रहने के कारण वे गाय बैलों को चारा पानी देना भूल गए। जब विश्वनाथ शाम को घर लौटे तो भूखे प्यासे पशुओं की दशा देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। लक्ष्मी, एक काम बोल के गया था वो भी तुमसे ना हो सका। दिन प्रतिदिन तुम्हारी अकर्मण्यता बढ़ती जा रही है, मैं देख रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। लक्ष्मीनाथ के हृदय में परिवार के प्रति जो थोड़ा बहुत मोह बाकी था उसे भी अग्रज की फटकार ने समाप्त कर दिया। इस घटना से आहत लक्ष्मीनाथ किसी को बिना कुछ बताए कहीं चले गए। इधर लक्ष्मीनाथ के गृह त्याग के बाद से उनके अग्रज विश्वनाथ का चिंता से बुरा हाल था। आवेश में अनुज के साथ किए अपने व्यवहार पर वे लज्जित थे तथा उनके गृह त्याग के लिए स्वयं को दोषी मानते हुए वे सदैव अपने अनुज की खोज में लगे हुए थे। अरे विश्वा, लक्ष्मी आया कि नहीं? हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि मैं अपने भाई से कितना प्रेम करता हूँ, फिर भी मेरे कटु वचन बोलने के कारण वह मुझे छोड़कर चला गया। भाई के बिछुड़ने की पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। प्रभु, मुझे मेरे भाई से मिला दो। भगवान, लक्ष्मीनाथ सिंहेश्वर स्थान चले आए थे। यहाँ साधु सन्यासियों के सानिध्य का लक्ष्मीनाथ के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। लक्ष्मीनाथ को सिंहेश्वर स्थान में ही पता चला कि इस वर्ष साधुओं की टोली पशुपतिनाथ की यात्रा पर जा रही है। उनके मन में भी पशुपतिनाथ जी के दर्शन की उत्कंठा जगी। बहुत दिनों बाद किसी ने विश्वनाथ को सूचित किया कि लक्ष्मीनाथ को सिंहेश्वर स्थान में देखा गया है। व्याकुल विश्वनाथ अपने अनुज के पास जाने के लिए तत्काल निकल पड़े। उनकी चाल में अपने अनुज से शीघ्र मिलने की अधीरता स्पष्ट झलक रही थी। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, मेरी तो मति मारी गई थी। जो मैंने तुझे डांटा, मुझे क्षमा कर दो मेरे भाई। नहीं नहीं भैया, इसमें आपका कोई दोष नहीं, अपराध तो मेरा ही है। मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। लक्ष्मी, तुम्हारे चले जाने के बाद गांव वालों को ऐसा लगा कि मेरे दुर्व्यवहार के कारण ही तुम घर छोड़कर चले गए। नहीं भैया, यह सत्य नहीं। मैंने तो गुरु की खोज में घर छोड़ा। यदि ऐसा है तो मेरे भाई मेरे साथ चलो और गांव वाले के भ्रम को दूर कर दो। भैया, मैं निवृत्ति के मार्ग पर निकल चुका हूँ। आजीवन वैरागी रहकर ही मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा, इसलिए पुनः सांसारिक बंधन में नहीं बंधना चाहता। किंतु आपकी प्रतिष्ठा को कलंक न लगे, इसलिए चलिए मैं आपके साथ चलकर गांव वालों के भ्रम को दूर कर देता हूं। किंतु आप मुझे वचन दें, मुझे अपने मार्ग पे आगे बढ़ने से आप रोकेंगे नहीं? तुम्हारी जैसी इच्छा, लेकिन समय आने पर मुझे अवश्य बता देना। अग्रज द्वारा घर वापस चलने के अनुरोध को
वे टाल न सके और उन्हें अपनी इच्छा और अपने निर्णय से अवगत कराकर उस समय वे उनके साथ घर लौट आए। कुछ दिन घर में बिताने के उपरांत जब उनके काठमांडू जाने का समय निकट आया, तब पशुपतिनाथ की यात्रा पर जाने के लिए वे अपने बड़े भाई से आज्ञा लेने पहुंचे। लक्ष्मी, क्या बात है, बोलो। भैया, मैं पशुपतिनाथ जी की यात्रा पे जाना चाहता हूँ, आपसे अनुमति लेने आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे जाने का समय आ गया। ठीक है, जाओ। अकेले जा रहे हो या और कोई तुम्हारे साथ है? नहीं नहीं भैया, आप चिंता ना करें, मैं साधु संतों की टोली के साथ जा रहा हूँ। बहू से विदा ले ली? अभी नहीं भैया, सोचा पहले आपसे अनुमति ले लूं। जाओ, बहू से मिल लो। अपने बड़े भाई से विदा लेने के बाद वे अपनी पत्नी की सहमति लेने उनके पास गए। इतने दिनों से मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था वह घड़ी आ गई है, अब मैं प्रस्थान करूंगा, तुमसे विदा लेने आया हूं, हर्षपूर्वक मुझे विदा करो। नाथ, अब मेरा क्या, अगर मुझसे कोई भूल हुई है मुझे क्षमा करे, मैं किसके सहारे जीऊंगी। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं और यह तुम स्वयं भी जानती हो, दाम्पत्य भाव का एकमात्र प्रयोजन पुत्र लाभ होता है, विषय भोग नहीं। परंतु फिर भी मैं तुम्हें एक सुंदर और सुयोग्य पुत्र दूंगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा। इस समय अश्रु बहाना ठीक नहीं, मुझे हर्षपूर्वक विदा करो। पतिव्रता हंसवती पति की लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधिका नहीं साधिका बनना चाहती थी, अतः पुत्र प्राप्ति और पुनः दर्शन देने का आश्वासन प्राप्त होने के पश्चात उसने पति के गृह त्याग को मौन स्वीकृति दे दी। चलिए कंत वही देश जहाँ निज घर अपना, चलिए कंत वही देश जहाँ निज घर अपना, पच रंग महल देख मत भूलहु, पच रंग महल देख मत यह सुख जानहु निश सपना, चलिए कंत वही देश जहाँ निज घर अपना। पशुपतिनाथ की यात्रा उस समय धरती पर सबसे कठिन यात्राओं में से एक थी। इस यात्रा में अनजान पहाड़ी रास्तों, बीहड़ों, जंगलों और रक्त जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ता था। साधुओं की टोली के साथ कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद लक्ष्मीनाथ काठमांडू पहुंचे और उन्हें भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन हुए। उन्हें वहां रहते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन अचानक भगदड़ मची, उनके सभी सहयात्री इधर उधर हो गए, लक्ष्मीनाथ भी एक ओर निकल पड़े। वे आगे बढ़ते बढ़ते एक सुनसान घने जंगल में पहुंच गए। फिर भी वे आगे बढ़ते गए। शाम होने को आई, तभी उन्हें सामने से आते एक वृद्ध वनवासी दिखे। अरे युवक, तुम इधर कहाँ जा रहे हो, काग के मुंह में? बाबा, मैं रास्ता भटक चुका हूँ,
क्या आप मुझे यहाँ से निकलने का कोई मार्ग बताएंगे? अभी तो मेरे पास समय कम है, नहीं तो तुम्हें मार्गदर्शन का अनुरोध करने पर उस वृद्ध वनवासी ने जंगली जीवों से रक्षा हेतु लक्ष्मीनाथ को एक दंड दिया तथा उनका मार्गदर्शन किया। तुम इस दिशा में आगे बढ़ो, कल्याण होगा। वृद्ध वनवासी से दंड और मार्गदर्शन प्राप्त कर लक्ष्मीनाथ उनकी निर्दिष्ट दिशा में आगे बढ़े। लक्ष्मीनाथ को अब दिशा मिल चुकी थी और आत्मिक बल भी। उस वृद्ध वनवासी द्वारा निर्दिष्ट दिशा उन्हें उनके अभीष्ट की ओर ले जा रही थी। लक्ष्मीनाथ अपनी परंपराओं का बहुत सम्मान करते थे। वे चाहे कहीं भी रहें, सुबह की पहली किरणों के साथ पूजा अर्चना करना नहीं भूलते थे। लक्ष्मीनाथ दिन भर चलते, थक कर किसी वृक्ष की शरण में आराम कर लेते। कई दिन बीत जाने पर चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें शांति की अनुभूति हुई। साथ ही आश्चर्यजनक रूप से घनघोर उस जंगल में उन्हें एक योगी साधना करते दिखे। शुभ संकेत पाकर लक्ष्मीनाथ वहीं ठहर गए और उनकी साधना पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगे। बहुत देर बाद उनकी साधना पूर्ण होने पर योगी उनके पास आए। प्रणाम। कल्याण हो। युवक तुम कौन हो? उन्होंने लक्ष्मीनाथ से उनका परिचय और इस सघन वन में आने का कारण पूछा। लक्ष्मीनाथ ने अपनी पशुपतिनाथ की यात्रा से लेकर अंग्रेजों के आक्रमण और अपने सहयात्रियों से बिछड़कर यहाँ तक पहुँचने का पूरा वृत्तांत उन्हें सुनाया। यहाँ भगदड़ मच गई और मेरे सभी सहयात्री इधर उधर हो गए। वह योगी गुरु गोरखनाथ के पट्ट शिष्य गुरु लंबानाथ थे। लक्ष्मीनाथ को भूखा और थका जानकर लंबानाथ ने उन्हें भोजन के लिए कुछ फल दिए। लो, तुम ये फल खा लेना। आपकी बड़ी कृपा महात्मन, मैं अनुग्रहित हुआ। और सुनो, तुम्हारा यहाँ अधिक दिनों तक टिकना असुरक्षित है, अतः तुम अपने घर चले जाना। इतना कहकर योगी एक ओर चले गए। अब लक्ष्मीनाथ को विश्राम कहाँ, उन्हें तो लंबानाथ के एक सिद्ध योगी होने का विश्वास हो गया था। लक्ष्मीनाथ निर्दिष्ट स्थान पर ही रुके रहे। अगले दिन जब लंबानाथ अपनी साधना के लिए वहां आए, तुम अभी तक यहीं हो, तुम अपने देश क्यों नहीं चले गए? अब हमारा देश कहाँ गुरुवर, मैं एक योग निष्णात गुरु की खोज में निकला था। लक्ष्मीनाथ ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और उनके शिष्य बनने की इच्छा जताई। अब आप ही मुझे योग का ज्ञान देने की कृपा करें। लंबानाथ ने उनसे अनेक प्रश्न किए और उनकी योग्यता को परखा। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम लक्ष्मीनाथ झा है। कलयुग में योगाभ्यास अत्यंत कठिन है। इस युग में भगवत कीर्तन ही एकमात्र प्रमुख विषय है। कलौ केवल कीर्तनम, कीर्तनीयो सदा हरि। यह बात सत्य है, किंतु योगाभ्यास कठिन है। इसे मैं अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहता, इससे पुरुषार्थ का अपमान होता है। देखो, मेरी मानो तो तुम योग के बदले भक्ति की ही शरण लो। भक्ति मार्ग उचित है, किंतु मैंने तो योग सीखने के लिए घर छोड़ा है गुरुवर।
अतः आप मुझे योग का ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। इस सघन वन में खाने पीने सोने का कोई प्रबंध नहीं है। इस जंगल में हिंसक जीव जंतु भी रहते हैं। यहाँ रहना निरापद नहीं है, इसलिए तुम अपने देश जाकर किसी योगी से शिक्षा लेकर योगाभ्यास करो। महात्मन, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मैं बिना आपसे योग सीखे घर वापस नहीं जाऊंगा। अंत में वे लक्ष्मीनाथ की दृढ़ता से प्रभावित हुए और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। लक्ष्मीनाथ को शरीर शुद्धि, अंग न्यास और मुद्राओं के भेद तथा उनके साधन के नियम बतलाए। तदंतर अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का ज्ञान देकर उन्हें सिद्ध करने की विधि बतलाई। इसके पश्चात समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद अर्थात चतुष्पादों का ज्ञान कराकर उनकी साधनाओं के नियम बतलाए। योग जिज्ञासु एवं कुशाग्र बुद्धि लक्ष्मीनाथ ने मात्र 6 महीने में ही गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन 6 महीनों में तुमने योग की सारी क्रियाएं सीख ली हैं। अब तुम अपने घर चले जाओ, वहीं रहकर इन योग क्रियाओं का अभ्यास करना। किंतु एक बात सदा स्मरण रखना, भगवान के नाम का कीर्तन कभी भूलना नहीं। इसके उपरांत अपने जिज्ञासु शिष्य की परीक्षा एवं गगनपाद विद्या से उनका परिचय कराने हेतु गुरु लंबानाथ ने लक्ष्मीनाथ को आकाश मार्ग से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का निर्णय लेते हुए उनका गंतव्य पूछा। तुम्हें जाना कहाँ है गुरुदेव? यदि मैं मिथिला में दरभंगा पहुंच जाऊं तो अपने घर को पहुंच जाऊंगा। अपनी दोनों आंखें बंद करो और उन्हें 35 कला तक खोलना नहीं, तुम अपने गंतव्य को पहुंच जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। आंख खोलने से पूर्व ही लक्ष्मीनाथ अपने अभीष्ट स्थान तक पहुंच चुके थे। अरे, इतने कम समय में मैं यहां पहुंच गया, यह कैसे संभव हुआ? गुरुदेव से इस विद्या का ज्ञान लेना आवश्यक है। काठमांडू पर अंग्रेजों के आक्रमण की खबर से घर में सभी लोग चिंतित थे। प्रभु,
मेरा भाई जहाँ भी है उसकी रक्षा करना पड़ेगा। पता चला है काठमांडू में लड़ाई छिड़ गई, आप ही के भरोसे हूँ प्रभु। लंबी यात्रा करके बहुत दिनों बाद जब वे पुनः अपने गुरु के पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे गगनगमन विद्या सिखाने की प्रार्थना की। प्रणाम गुरुदेव। क्षमा करे गुरुदेव, मैंने असमय उपस्थित होकर विघ्न डाला। आप तो अंतर्यामी हैं, मेरी जिज्ञासा शेष रह गई है, तदर्थ मुझ पर दया की जाए। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा भी पूरी कर देता हूँ। आओ बैठो। लक्ष्मीनाथ की उत्कंठा और यत्न से प्रभावित होकर गुरु लंबानाथ ने उन्हें गगन गमन विद्या का ज्ञान प्रदान किया। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। अब लक्ष्मीनाथ ने गुरु लंबानाथ को गुरु दक्षिणा देकर तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर की ओर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। लक्ष्मीनाथ के सकुशल लौटने पर सभी ने राहत की सांस ली। लक्ष्मी, वे देखने को आंखें तरस गई, तुम इतने दिन कहां और कैसे बिताए? यह एक लंबी कथा है, आइए सुनाता हूं। कुशल क्षेम जानने के बाद विश्वनाथ ने लक्ष्मीनाथ से जानना चाहा कि लक्ष्मीनाथ इतने दिन कहां रहे और क्या किया। लक्ष्मीनाथ ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और भैया से यह अनुरोध किया कि उनका यह ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं जब तक वे इसका पर्याप्त अभ्यास न कर लें। इसलिए कठिन अभ्यास हेतु उन्हें कहीं अन्यत्र एकांतवास लेना होगा, अतः वे उन्हें इसकी अनुमति प्रदान करें। भ्रातृ प्रेम में विवश बड़े भाई ने अनुमति दे दी। अब वैरागी लक्ष्मीनाथ अपनी साधना स्थली की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने अपनी योग साधना के लिए जिस स्थान का चयन किया वह स्थान था बाबा पारस मणिनाथ का पावन धाम रहुआ संग्राम। यहाँ पीपल के वृक्षों के बीच बैठकर लगभग 3 वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या करके अभीष्ट सिद्धि प्राप्त की। योग की 8 सिद्धियां प्राप्त कर लेने के बाद अब लोक कल्याण हेतु परिव्राजक लक्ष्मीनाथ गोसाई स्वतंत्र हो भ्रमण करने लगे। कहते हैं, सरिता जल बहता भला, बंधा गंदा होय, योगी जन रमता भला, दाग न लागे कोई। योगाष्ट सिद्ध लक्ष्मीनाथ मिथिला तथा मिथिला के बाहर बहुत दिनों तक भ्रमण करते रहे। इस दौरान उन्होंने भागवत धर्म को जाना और समझा। अपनी यात्रा के क्रम में भ्रमण करते करते वे एक बार बनगांव पहुंचे। बनगांव के लोगों को गोसाई जी के स्वस्थ आकर्षक शरीर और ओजस्वी व्यक्तित्व ने आकर्षित किया। उस समय लोग पहलवानों का बहुत आदर करते थे। शुरू शुरू में बाबा जी को लोगों ने पहलवान ही समझा। बनगांव के लोगों ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। उस समय बनगांव के लोगों की धारणा थी कि बाबा जी को यदि अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाए तो वे एक अच्छे पहलवान सिद्ध होंगे। बनगांव के लोगों के सहज और मधुर व्यवहार ने गोसाई जी को प्रभावित किया।
और वे वहीं ठहर गए। बनगांव के दक्षिण पश्चिम भाग में एक पवित्र स्थान पर लोगों ने बाबा जी के रहने के लिए पर्ण कुटी बनवा दी। वहां ग्राम प्रमुख ने एक सेवक और भोजन की व्यवस्था कर दी और उनके भोजन के लिए एक धनवान ग्रामीण कारी खां ने उन्हें एक अच्छी गाय दी, जिसके पालन पोषण का भार गौदाता कारी खां ने स्वयं अपने ऊपर ही रखा। गोस्वामी जी प्रातःकाल पूजा अर्चना करते, दिन में ग्रामीणों के साथ उनका सुख दुख बांटते, शाम में भजन और कीर्तन करते तथा रात में एकांत में अपनी योग साधना करते। इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। ममता गई ना मेरे तन से, ममता गई ना मेरे तन से, तदपि न जात आस जीवन के, लोभ पराए धन से, तद बिना जात आस जीवन के, लोभ पराए धन से, लक्ष्मीपति भ्रम जात न कब हूँ, लक्ष्मीपति भ्रम जात न कब हूँ, बिनु हरि नाम भजन से, ममता गई ना मेरे तन से, ममता गई। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद प्यारे, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद प्यारे, राधिका के प्राणनाथ संत के आधारे, जय गोविंद जय गोविंद प्यारे, जय गोविंद जय गोविंद। मथुरा में जन्म लियो पिता मातु तारे, गोकुल में गोप सखा गोकुल में गोप सखा, संग में सिधारे, जय गोविंद जय गोविंद प्यारे, जय गोविंद जय गोविंद। जैसे भूभार टार कंस वंश मारे, तैसे हो उबार ले हो, तैसे हो उबार ले हो, लक्षण के प्यारे, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद प्यारे। बाबा जी की दिनचर्या यथावत रही। इस बीच तरौनी निवासी रघुवर झा इनकी अनुयायी बने और बाबा की सेवा और सानिध्य में रहकर वे रघुवर गोसाई बन गए। उनके भक्तों में एक ओर जहां सनातन धर्मावलंबी रघुवर गोसाई, विद्वान राजा राम शास्त्री, शकरपुरा के जमींदार राजा लक्ष्मी प्रसाद सिंह आदि थे, वहीं दूसरी ओर इस्लाम धर्म के अनुयायी गौस खां और ईसाई धर्मावलंबी जॉन क्रिश्चियन का शामिल होना सर्वधर्म संभाव के उनके चिरंतन सिद्धांत का परिचायक है। बनगांव के पश्चिमी भाग में आम के बाग लगे हुए थे जो काफी घने थे। रात के समय उस स्थान पर आवागमन 9 के बराबर था। बाबा जी रात्रि काल में उन बगीचों में अपनी साधना किया करते थे। उनकी यह साधना कई वर्षों तक चली। एक बार की घटना है जब वे
रात में पंचाग्नि साधन की क्रिया कर रहे थे, तभी उस बगीचे के मालिक ने दूर से अपने बगीचे में जो देखा उससे उसे लगा कि यह कोई भूत है और वह आगे जाने का साहस न जुटा पाया। अगले दिन वह अपने एक साहसी मित्र के साथ उस बगीचे में गया और रात में फिर वही दृश्य देखकर वह अत्यंत भयभीत हो गया। वो देखो भूत है। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। डेटी पर के दबा दूंगा, वरना चुपचाप चलो। हम आगे आगे चलते हैं, तुम मेरे पीछे चलो। ऐसा कलेजा रखा था तो फिर आया ही क्यों था? अरे यहाँ क्या सिंहेश्वर का मेला लगा हुआ है? अगली सुबह उसने अपनी समस्या से बाबा जी को अवगत कराया। प्रणाम बाबा। बाबा, उस आम के पेड़ पे भूत है बाबा, जो मुर्दा खाता है। इससे मेरे फलों का बहुत नुकसान हो चुका है बाबा। उन आम के फलों की जो कीमत हो वो मुझसे ले लेना। रात को उस बगीचे में कभी मत जाना। बाबा जी ने उसकी समस्या का समाधान किया और वह प्रसन्न होकर घर लौट गया। बनगांव के लिए तो बाबा जी सर्वदेव थे। बनगांव के इस भगवती घर या दुर्गा स्थान का पुराना मंदिर बाबा जी ने श्रीनगर के राजा की सहायता से बनवाया था। जब वह पुराना मंदिर गिर गया तो गांव की ही एक मसोमात बुचनी देवी ने उसकी जगह नया मंदिर बनवा दिया। बाबा जी ने भगवती घर के प्रांगण में, विषहरा स्थान में और कुटी पर भी कुआं बनवाया तथा तालाब खुदवाए। यहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, जिसे लक्ष्मीश्वर नाथ महादेव के रूप में पूजा जाता है। यहाँ उन्होंने शकरपुरा ड्योढ़ी की आर्थिक सहायता से लक्ष्मी नारायण ठाकुरबाड़ी की स्थापना की, जिसका नवनिर्माण अब बनगांव वासियों ने पूरी श्रद्धा के साथ करके इसे अत्यंत विशाल और भव्य बना दिया है। इसी स्थान पर पहले एक पर्णकुटी थी जिसमें बाबा जी रहते थे, इसलिए इस स्थान का नाम बाबा जी कुटी पड़ा, जो आज भी विख्यात है और बनगांव की पहचान है। उस पर्णकुटी के प्रांगण में पंचवृक्ष था, जो तांत्रिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। आज वहां चबूतरा और ध्वज विराजमान है। यहां उन्होंने कृष्णाष्टमी और होली आदि उत्सवों का आरंभ करवाया तथा धर्म सभा स्थापित करने के लिए पंडित बबुआ खां एवं अन्य को प्रेरित किया। यह धर्म सभा विगत लगभग 100 वर्षों से प्रत्येक रविवार को निरंतर आयोजित हो रही है। इसी दौरान उन्होंने बनगांव, खटकी, लखनौर, परसरमा आदि गांवों में भगवान लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण आदि के मंदिरों तथा कुटियों की स्थापना करने के साथ साथ तालाब, कुआं आदि जल स्रोतों का भी निर्माण करवाया। इन कुटियों तथा ठाकुर बाड़ियों के निर्माण में शकरपुरा के जमींदार राजा लक्ष्मी प्रसाद सिंह एवं राजा उदित नारायण सिंह तथा उनके वंशजों ने सारा खर्च वहन किया। बाबू लक्ष्मी प्रसाद सिंह बाबा जी के अनन्य भक्त थे। बाबा जी की कृपा से प्रभावित होकर अनेक रजवाड़े जैसे बरुआरी, पंचगछिया, परसरमा, सोनवर्षा इत्यादि के जमींदार भी बाबा जी के भक्त बन गए। यहाँ तक कि टेकारी, मकसूदपुर आदि जैसे गंगा के दक्षिण के जमींदार भी इनके भक्तों में शामिल थे। बनगांव वासियों को बाबा जी की कई लीलाओं के दर्शन का सौभाग्य मिला। हमारे बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई जी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी और अष्ट सिद्धियां प्राप्त होने के चलते प्रायः लोग उन्हें चमत्कारी पुरुष समझते थे, किंतु बाबा जी की लीला चमत्कार तक ही सीमित नहीं था। चमत्कार बाबा जी की लीला थी, वह उनकी विधा नहीं थी। उनकी विधा थी समाज में ऐसा आध्यात्मिक समन्वयन प्रस्तुत करना जिसमें एक जागृत समाज ज्ञान संचय के लिए हर समय उद्यत हो। बाबा जी जनक याज्ञवल्क्य की जो विदेह परंपरा थी उसके अग्रणी संत थे। अनेक लीलाओं की चर्चा आज भी प्रायः होती रहती है, जिनमें से एक है तत्व नियंत्रण संबंधी उनकी सिद्धि का चमत्कार। एक बार बाबा जी फटकी जा रहे थे और रास्ते में
बलान नदी को पार करने के लिए बाबा जी अपने भजनियों के साथ ठेंगा घाट पहुंचे। बाबा जी प्रणाम। जय हो जय हो। घटवारी निकालो। बाबा जी को पैसा कहां से आएगा? अरे बहुत देखा है ऐसे बाबा जियों को जो अपना पेट पालने के लिए दूसरे को धोखा देने के लिए इसी तरह बाबाजियों का रूप धारण करके घूमते रहते हैं। लो मैं दे देता हूँ। मैं शुल्क दिए बिना नहीं जाता, केवल हंसी की थी। मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ। रुक जाइए बाबा, उधर मत जाइए बाबा, पानी बहुत गहरा है, बांस भी नहीं था। अरे सरवा, इसीलिए तो पीछे आने को कहता हूँ, जब मैं डूबने लगूं तो तुम लोग अपने को बचा लेना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बाबा जी ने अपनी योग शक्ति से उस घटवार की दुष्टता को जान लिया। पानी घटता गया और नाव बीच नदी में जाकर अटक गई। मुझे क्षमा करें बाबा। बाबा, मैंने आपको नहीं पहचाना। बाबा, मैं गरीब घटवार हूं, बहुत पैसे लगे हैं बाबा। अगर किश्ती नहीं चलेगी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा बाबा। घटवार बाबा के सामने नतमस्तक था। जो होने का था सो हो गया। अब नाव उठा के यहां से दूसरी जगह ले जाओ, अब यहाँ नाव नहीं चलेगी। उसे उसके अहंकार का फल मिल चुका था। हरिओम तत्सत। जय गोविंद, जय गोविंद, जय गोविंद प्यारे, जय गोविंद, जय गोविंद, जय गोविंद प्यारे, जय गोविंद, जय गोविंद, जय गोविंद प्यारे, जय गोविंद, जय गोविंद। बाबा जी की अनेक लीलाओं में से एक राह की मिट्टी से खीर बनाने की घटना यहाँ के जनश्रुतियों में आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। इस घटना में बाबा जी की अष्ट सिद्धियों में से एक प्राप्ति नामक सिद्धि का प्राकट्य देखने को मिलता है। एक रात कुछ नागा साधु बनगांव कुटी पहुंचे। अलख निरंजन। प्रणाम बाबा। भोजन का प्रबंध करो। जी बाबा, और कोई सेवा? खीर ही लाना। इतनी रात को खीर के लिए दूध मिलना असंभव है बाबा। हम खाएंगे तो खीर ही खाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं खाएंगे। जी बाबा, बाबा जी से पूछता हूँ। बाबा, बाबा, कुछ नागा साधु आए हैं, भोजन में खीर ही मांग रहे हैं। इतनी रात को दूध कहां से आएगा? अच्छा, वो खीर ही मांग रहे हैं। जी बाबा। बाबा जी तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। बर्तन में पानी चढ़ा दो और जब खौलने लगे तो मुझे बता देना। जी बाबा। भंडारी ने वैसा ही किया। बाबा, पानी खौल रहा है। रास्ते का बालू छान कर उसमें डाल दो और फिर कुछ देर बाद उतार लेना। जी बाबा। भंडारी ने खोलते पानी में राह की रेत डाल दी। थोड़ी ही देर में खीर तैयार हो गई। बाबा के चमत्कार से अभिभूत भंडारी ने
बाबा के निर्देश का पालन किया और राह की रेत से बनी खीर नागा को खिला दी। किंतु जब सुबह हुई तो परेशान नागा साधु आकर बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा। जय सीताराम। बाबा बाबा, रात को तो दूध की खीर ही खाए थे बाबा। रात की खीर तो बहुत अच्छी थी बाबा, लेकिन सबके मन में मिट्टी ही निकली है बाबा। हमसे क्या अपराध हो गया बाबा? तुम लोगों ने खीर ही मांगी थी ना, तो मुझे कुएं का पानी और रास्ते के बालू से काम चलाना पड़ा। आधी रात को किसी के भी घर में अगर खीर मांगो ना, तो वह कहां से खिलाएगा? तुम लोगों को अपने ही हट का प्रायश्चित करना पड़ा है। मुझे क्षमा करो बाबा। जाओ, आज से कभी हट मत करना। हरिओम। हे हर हमर करो प्रतिपान, हे हर हमर करो प्रतिपान। योगाष्ट सिद्ध लक्ष्मीनाथ बनगांव में रहने के बावजूद समय समय पर मिथिला तथा मिथिला के बाहर बहुत दिनों तक भ्रमण किया करते। परिव्राजक लक्ष्मीनाथ ने भ्रमण के क्रम में हरिहर क्षेत्र, काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथपुरी आदि की यात्रा की। वहां उन्होंने भागवत धर्म को जाना। इसके उपरांत वे कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। अब वे भागवत के मर्म को समझने समझाने लगे। बाबा जी का एक प्रिय ठिकाना था दरभंगा जिला का रमौली गांव। यहाँ का कण कण पवित्र और वातावरण अत्यंत सुसंस्कृत और भक्तिमय है। बताया जाता है कि यहाँ पर बाबा जी सर्वप्रथम साधक और गुरु दयाल झा के घर पर ठहरे थे। दोनों सिद्ध पुरुषों के बीच मित्रता का व्यवहार था। रात में बाबा जी उनके साथ साधना किया करते और दिन में भागवत कथा का वाचन करते थे। यहाँ के लोग पीढ़ियों से बाबा जी के भक्त हैं तथा आज भी उन्हें अपने ग्राम देवता के रूप में पूजते हैं। यहाँ के लोगों में बाबा जी के प्रति नैष्ठिक आस्था, अनन्य भक्ति और अटूट श्रद्धा है। यहाँ रमौली में बाबा जी की कुटी पर निर्मित मंदिर की भव्यता इसे स्पष्ट प्रतिबिंबित करती है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले हमारे गांव में गोस्वामी लक्ष्मीनाथ जी गोसाई का पदार्पण हुआ। प्राचीन संदर्भ में ये अनुभव की बात है, जो रघुवर दास जी के साथ बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई रहते थे, सुबह को अपना परिचर्या में ग्रामीणों को भागवत सुनाया करते थे। राम विनोद दास जी दीक्षा दे करके इस मंदिर प्रांगण में ला करके छोड़ दिए, ये तुम्हारा इलाज अब बाबा जी ही करेंगे, तुम इनका सेवा करो, तुम पूर्ण ठीक हो जाओगे। वो सेवा करना शुरू किए सिंहासन के, जो आज भी विद्यमान हैं, जिस सिंहासन को हम लोग पूछते हैं बाबा जी को, आज वो पूर्ण स्वस्थ है। अब विगत 25 वर्ष से यहाँ पर बाबा के सेवा में लीन है। यहाँ पर बाबा जी की इच्छा होती है तो गांव के किसी कोने से कोई न कोई व्यक्ति लेकर सजा हुआ खाने का सामान लेकर पहुँच जाते हैं। ये बाबा जी की असीम कृपा है। अलौकिक साधना के साकार विग्रह गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस का लखनऊ से अनन्य आत्मिक लगाव था। यहाँ तक कि उन्होंने लखनऊ में अपनी साधना कुटीर का निर्माण कराया तथा पूजा अर्चना के लिए राधा कृष्ण एवं हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण करवाया। परमहंस लक्ष्मीनाथ जी ने कलिकाल में गांव-गांव में तपस्या से नवधा भक्ति को फैलाने के लिए अनेक मंदिर बनवाए और पुष्प वाटिकाएं भी लगवाई। साथ ही कई तालाब खुदवाकर पुण्य स्नान करने और अमृत जल पीने का प्रबंध करवाया। लखनऊ के समीप ही ऑक्सी मौजा में उन्होंने लक्ष्मेश्वर नाथ महादेव की स्थापना की, जो आज ऑक्सी महादेव के नाम से प्रतिष्ठित हैं। बाबा जी ने अपने सिंघिया प्रवास के दौरान
वहां के राजपूत जमींदारों के आपसी विवाद का निपटारा इस तरह किया कि सदियों बाद आज भी उनका वही निर्णय सर्वमान्य और शिरोधार्य है। जिस प्रकार सूर्य की आभा अधिक समय तक बादलों में छिपी नहीं रह पाती, उसी प्रकार बाबा जी के विशिष्ट गुण और सिद्धियां भी बहुत दिनों तक लोगों की दृष्टि से बची न रह सकी। बनगांव में ही स्वामी जी के विभूति पाद के दर्शन हुए। धीरे धीरे बाबा जी की प्रखर काव्य प्रतिभा का अनुभव लोगों को होना आरंभ हुआ। बनगांव में ही बाबा जी ने ब्रजभाषा एवं मैथिली में साहित्य सर्जना आरंभ की। बाबा जी प्रतिदिन न केवल भजन और कीर्तन करते अपितु वे भजनों की रचना भी किया करते थे। निस्संदेह वे एक संत कवि थे। वे अपने भजनों में दोहा, चौपाई, छंद और गीत आदि की रचना किया करते थे। विद्वान, शोध प्रज्ञ, विषय विशेषज्ञ आदि आज भी बाबा जी की काव्य प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बाबा जी जो छला से ही सूर आम मीरा जका मात्र कृष्ण भक्ते का नहीं छला और तुलसी जका राम भक्ते नहीं छला। राम गीतावली या कृष्ण गीतावली में दोनों में कम से कम डेढ़ दुदू सा गीत जो शुरू से अंत तक बनने छथिन ताकि बुझाई छे जे राम आ कृष्ण में कोनो अंतर नहीं बुझे छथिन। एहन इएह टाइपटा कवि छै जे दुनू देवता के बराबर मान्यता देने छथिन। जतबे प्रशस्त हिनकर राम गीतावली छै रामक जन्म से लऽ कऽ अंतिम तक के पूरा हनुमान जी के धन्यवाद मने अयोध्या वापस तक के सबटा घटना जते छै सब पर एकटा के गीत बनने छै। तहिना कृष्ण गीतावली कृष्णो गीतावली में जन्म से लऽ कऽ हुनकर अंतिम समय तक के जते कथा छै सबका वर्णन रुकने छै। भजन बनाते थे और भजनियों के द्वारा उसे गवाते थे, स्वयं सुनते थे और लोग बैठ करके उनकी उन भजनावलियों को सुनते थे और प्रसन्न मुद्रा में आ जाते थे। उस समय से आज तक बाबा जी के भजनों को गाकर लोग आनंदित और भाव विभोर हो रहे हैं। हे हर हमर करो प्रतिपान, हे हर हमर करो प्रतिपान, सब बीति बाजे नो माया जान। हे हर हमर करो प्रतिपान, सब बीति बाजे। उनके भजनों के सरल शब्दों में शास्त्र के अनेक गूढ़ एवं प्रेरणादायक शब्द छुपे हैं। नंद नंदन नर नाथ कनक हरि, नंद नंदन नर नाथ कनक हरि, नरक हरण नर धाम, नमो तहिना चैतावर फागुन रंग बिरंग के गीत सब हिनकर छनि। और इमहर जे रामकृष्ण वाला गीत छनि ताहिमे तऽ साहित्य और रस के सेहो छै, सब रस के कविता सब छै। कौचक ही कुंजन में भेटे, कौचक ही कुंजन में भेटे, मदन मोहन गिरवर धारी, मदन मोहन गिरिवर धारी, सघन श्याम मूरत अति सुंदर, सघन श्याम मूरत अति सुंदर, पद सरोज नखमणि धारी, रे बनवारी गिरधारी। समय बीतता गया और बाबा जी के अनमोल कृतियों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। अपनी दिनचर्या के पश्चात संध्या काल में बाबा जी प्रायः अपनी नवीन रचनाओं पर चर्चा करते और अपने भजनियों के साथ भजन कीर्तन किया करते थे।
अपने मन को समझाता हूँ और कहता हूँ, रे मन काहे फिरत बौराना, रे मन काहे फिरत योग शक्ति द्वारा गोस्वामी लक्ष्मीनाथ ने अपनी आसन्न मृत्यु की आहट को जान लिया था। अपने देह त्याग के लिए उन्होंने फटकी का चयन किया। फटकी के लिए बनगांव से प्रस्थान करने से पूर्व उन्होंने बरियाही कोठी के अपने मित्र शिष्य जॉन क्रिश्चन को यह पत्र लिखकर सूचना दे दी। लक्ष्मीपति सुरपुर चले जान रहे एही ठाम, कुटी हमारी देखियो मिथिला में वनगाम। शिबू शिबू रे सर्वा, यह पत्र लो और जान साहब आए तुमको दे देना। काया कपड़ा भयो है पुराना, काया कपड़ा माया मोटा में कसी बांधे, तीन गुण रसेरी में लपटाना। माया मोटा में कसी बांधे, तीन गुण रसरी में लपटाना। ममता मोह लोभ के कुंजी, ममता मोह लोभ के कुंजी, तामे खाना। काया कपड़ा भयो है पुराना, काया कपड़ा पाप के दाग लगे सारी में, धर्म मसाला नहीं मिलाना। पाप के दाग लगे सारी में,
धर्म मसाला नहीं मिलाना साफी संत के संग न कीनो साफी संत के संग न कीनो दिन दिन मैला में लपटाना काया कपड़ा भयो है पुराना काया कपड़ा भयो है पुराना कब हुने किन्हे तीर्थ व्रत पूजा कब हुने किन्हे तीर्थ व्रत पूजा न तप धूप में डारी सुखाना। कमला नदी के तट पर फटकी एक छोटी सी बस्ती है। जनश्रुति के अनुसार इस स्थान पर पहले करार नाम का एक बांध था, इसलिए इस स्थान को संभवतः पूर्व में करार नाम से भी जाना जाता था। करार नाम के क्या बांध चले कहा थे? वो बांध है के नाम पर गांव के नाम करार पड़ी है। कोनो गांव के नाम नदी पर भय छे, कोनो गांव के नाम मंदिर पर भय छे, तो करार नाम के क्या बांध जाय चले जे गांव से जाकर आ वो माने कमला वाला नदी तक जाय चले। बाबा जी अपना चोला बदलने के लिए फटकी ही क्यों आए? संभव है कमला नदी जो सप्तगंगा में एक है के पावन तट पर शांत सुंदर और सुखद वातावरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस स्थान का चयन अपने महाप्रयाण के लिए कर लिया हो। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह स्थान उनकी प्रथम आश्रय दायिनी वृद्धा वृद्ध विधवा भक्तिन की पावन भूमि थी, इसलिए उन्होंने देह त्याग हेतु इस स्थान का चयन किया। हालांकि इस विषय में बाबा जी के प्रपौत्र पंडित सृष्टि नारायण झा की पुत्री श्रीमती अरुणाक्षी देवी का मत है कि सनातन परंपरा के अनुसार अपनी क्रय की गई भूमि पर ही अंतिम संस्कार की परंपरा रही है, और चूंकि फटकी का यह स्थान गोस्वामी लक्ष्मीनाथ के द्वारा क्रय की गई एकमात्र भूमि है, इसलिए बाबा जी ने यहाँ अपना चोला बदला। माँ कह रहा है जब बाबा जी फटकी में वो 5 बीघा के 6 बीघा के कैंपस खरीदने चला है, शरीर त्याग के पूर्व जहां उनका ये आभास बनन हमारा ये शरीर परिवर्तित करो के अपन जो खरीदल जमीन रहन तही ठाम जाकर अपन शरीर के त्याग के लेन। वास्तविकता जो भी हो इस संबंध में इतना तो तय है कि फटकी कुटी की यह पावन भूमि न केवल बाबा जी के भक्तों के लिए अपितु समस्त मिथिला वासियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। बाबा जी के समाधिस्थ हो जाने के बाद भी जनश्रुतियों में उनकी अनेक लीलाओं की चर्चा आज भी होती रहती है। जैसे फटकी में बाबा जी के महाप्रयाण के बाद भी उनके टहलू द्वारा उनके दर्शन की घटना। फटकी में टहलू की घटना में वस्तुतः यह भ्रम नहीं था कि बाबा जी जल भी रहे थे और चल भी रहे थे, बल्कि पतंजलि योग शास्त्र के सूत्र निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात के अनुसार यह बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई के कैवल्य पाद का प्रत्यक्षीकरण था। बाबा जी के देहावसान के सैकड़ों वर्ष बाद आज भी उनके होने का अनुभव भक्तों को होता है। आज भी बनगांव एवं आसपास के गांवों में जब कोई गाय बीमार हो जाती है या गाय का बछड़ा गाय के थन से दूध नहीं पीता है तो लोग उन्हें बनगांव कुटी पर बाबा जी के समक्ष उपस्थित करते हैं। वहां कुटी के पुजारी से बाबा की विभूति और पाद तीर्थ प्राप्त करके गाय या बछड़े रोग दोष से मुक्त हो जाते हैं। बाबा जी के अनेक महात्म्यों में एक है देह त्याग के बाद भी बाबा जी द्वारा एक गरीब गूंगा भिखारी को वाणी का प्रसाद देना। एक रात जब गूंगा कुटी के प्रांगण में सोया हुआ था तभी उसने स्वप्न में बाबा जी को अपने पास आते देखा। अरे सरवा कौन है तू? अरे तू गूंगा है क्या? सुबह में जब वह गूंगा कहीं जा रहा था
तो रास्ते में उसे एक ग्रामीण मिल गया। सवेरे सवेरे किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? अरे जा 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 अपना काम कर। गुंगा बोलने लगा जय बाबा जी। गुंगा बोलने लगा जय बाबा जी। गांव में सर्वत्र बाबा जी की लीला की चर्चा होने लगी। निस्संदेह आज की पीढ़ी यह जानकर चकित होगी कि भारतवर्ष में बिहार एवं मिथिला की इस पावन भूमि पर गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जैसे कोई देव पुरुष उत्पन्न हुए थे। लोग उनके प्रति इतने श्रद्धावान हैं कि आज देश के विभिन्न भागों में उनकी जयंती एवं स्मृति पर्व उत्साह पूर्वक मनाए जा रहे हैं। इनमें से बनगांव के अतिरिक्त रमौली, जमशेदपुर एवं सहरसा में मत्स्यगंधा परिसर स्थित उनकी कुटियों में यह समारोह प्रत्येक वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज भी उनके पैतृक गांव परसरमा में उनके परिजन रहते हैं। परसरमा वासियों को जब लक्ष्मीनाथ के बनगांव में होने का पता चला तो वे उनकी पत्नी को लेकर बनगांव पहुंचे। वहां बाबा जी ने अपने वचन का मान रखते हुए अपनी सिद्धियों द्वारा पत्नी को पुत्र रत्न प्रदान किया। बाबा जी लक्ष्मीनाथ गोसाई के एकमात्र पुत्र थे नेनालाल झा। उनके पुत्र हुए योगेश्वर झा, उनके पुत्र सृष्टि नारायण झा उर्फ लाल बाबू, उनकी तीन पुत्रियों मीनाक्षी देवी, कमलाक्षी देवी और अरुणाक्षी देवी में से अभी केवल श्रीमती अरुणाक्षी देवी जीवित हैं। तीन बेर बाबा जी जो श्रीमती अरुणाक्षी देवी का मानना है कि न केवल बाबा जी की रचनाओं का गहन अध्ययन, विश्लेषण और अन्वेषण की आवश्यकता है, अपितु बाबा जी से जुड़े विभिन्न तथ्यों पर भी वृहत शोध अपेक्षित है। संत शिरोमणि गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जैसे बहुआयामी व्यक्तित्व वाले योगी, साधक और संत की विराटता को इतने अल्प समय में समेटकर प्रस्तुत करना सूरज को दीपक दिखाने जैसा ही है। वास्तव में यह न तो बाबा जी की संपूर्ण जीवनी है और न उनके चमत्कारों का समग्र वर्णन। हम तो बस अभी किसी प्रकार पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं तथा इस रचना में हुई किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी से हमारा यह विनम्र निवेदन है कि बाबा जी की बहुआयामी यशोगाथा को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। इति योगी वराय तन्वते चरितम लोकहितानुबंधने परमात्म निवेशितात्मने मम लक्ष्मी पतये नमो निशम। नर भज भगवत जग जय जटे नर भज भगवत जग जय जटे जपत सकल सट जपत सकल सट रहत सदत रट नर भज भगवत जग जय स्वरूप जत नर भज भगवत जग जय स्वरूप जत नर भज भगवत जग जय स्वरूप जत नर भज भगवत जग जय स्वरूप जत।
लक्ष्मीपति गोसाई की। आरती जय बाबा जी की, श्री लक्ष्मीपति गोसाई की। आरती जय बाबा जी की, श्री लक्ष्मीपति गोसाई की। आरती जय बाबा जी की, श्री लक्ष्मीपति गोसाई की। करो सब हरदम हुन कर ध्यान, ध्यान मिटत सब ताप भटत सदज्ञान, सदज्ञान करो सब हरदम हुन कर ध्यान, ध्यान मिटत सब ताप भटत सदज्ञान, सदज्ञान करे जन कीर्तन शरण भारपण चरण गही साधक साई की। श्री लक्ष्मी पति गोसाई की।